त्रिघा स्टडी पे आप सब सबका स्वागत है दोस्तों। अभी नोटिफिकेशन आया है, DRDO में रिजल्ट लगा है दोस्तों, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे गूगल पे जाना है अपने को, गूगल पे DRDO डालना है दोस्तों, DRDO.gov.in डालना है दोस्तों। उसके बाद वेबसाइट ओपन होगा दोस्तों उनका। ठीक है, वेबसाइट ओपन होने के बाद इंटरनेट स्लो चल रहा है दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा लोड हो रहा है, बफरिंग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हम नीचे आते हैं दोस्तों, हमारा साइट ओपन हो गया, देखो DRDO का साइट ओपन हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पे CBT 1 रिजल्ट लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देखो। यस करने हैं दोस्तों, इसके बाद यस करने के बाद अपना रिजल्ट यहाँ पे ओपन हो गया है दोस्तों। ठीक है, स्टेटस प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, फर्स्ट CBT 1 का रिजल्ट लगा है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो जो कैंडिडेट है उनका प्रैक्टिकल होने वाला है, फिजिकल होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट पोस्ट थी अपनी स्टोनोग्राफर ग्रेड, सेकेंड इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, थर्ड पोस्ट थी दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी। ठीक है दोस्तों, और स्टोर कीपर ए इंग्लिश, स्टोर कीपर ए हिंदी, दोनों मतलब लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट ए ग्रेड का दोस्तों पोस्ट है। नेक्स्ट है क्लर्क कैंटीन मैनेजर ग्रेड ग्रेड 3। ठीक है दोस्तों, ये पोस्ट है, तो आपको यहाँ पे आगे क्लिक करना है, अपने जिस पोस्ट के लिए एग्जाम दिया था दोस्तों उस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे आके आगे लिंक पे क्लिक करना है। असिस्टेंट हलवाई कम कुक है अपने, तो उसका भी रिजल्ट लग गया, व्हीकल ऑपरेटर का है, फायर इंजन ड्राइवर का है, फायरमैन का है। तो इसको कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मैं फायरमैन का हूँ, फायरमैन पे मैं अवेलेबल पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। देखो फायरमैन पे क्लिक कर दिया मैंने, तो मुझे आगे क्या क्या लगने वाला है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो मुझे उनका वेबसाइट अभी ओपन हो रहा है, ठीक है, वेबसाइट ओपन किया, एप्लीकेशन नंबर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है देखो एप्लीकेशन नंबर, देखो अप्लाई एप्लीकेशन नंबर जरूरी है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, देखो एप्लीकेशन नंबर अपने को डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है दोस्तों, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। फिर यहाँ नीचे कैप्चर डालना है दोस्तों, कैप्चर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है, आपका जो भी रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप एलिजिबल हो जाते हो तो नेक्स्ट आगे पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब रिगार्डिंग सारे अपडेट अपने चैनल पर होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।